मैं हूं गमेर और आप देख रहे हैं टैक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि टैक मेवाड़ी यूट्यूब चैनल हमेशा अच्छे से अच्छे वीडियो सोलर के खेतीबाड़ी से रिलेटेड लाता रहता है। तो इसी तरह आज अपन एक वीडियो लेके आए हैं सोलर पैनल की मजबूती को कैसे चेक करें और कैसा आपको स्ट्रक्चर लगाना है उसके बारे में आज अपन जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके जो सोलर लगा रहे हैं वो सोलर किस रूप के ऊपर लग रहा है, फर्स्ट फ्लोर पर लग रहा है या सेकंड पे लग रहा है या थर्ड पे लग रहा है या फोर्थ या फाइव आकाशी फ्लोर पे लग रहा है, ये ध्यान रखना होगा आपको। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे ही लगा रहे हैं तो वहां पे आप नॉर्मल स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप आकाशीय फ्लोर पे लगा रहे हैं तो वहां पर नॉर्मल स्ट्रक्चर लगाएंगे तो आपके तेज आंधी तूफान आएगा तब वो 101% वो उड़ जाएंगे। तो इसका ही ध्यान रखना है अपन को कि स्टैंड खरीदते समय ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आज अपन देख रहे हैं यहाँ पर उदयपुर में चौथे फ्लोर पर आकाशीय फ्लोर पे ये स्टैंड लगे हुए हैं। इनकी मजबूती कितनी है वो जानेंगे अपन इस यहाँ पर। और दूसरी एक चीज और आपको बता देता हूँ मैं कि आपके जो फ्लोर है जिसके ऊपर रूफ है वहां पर आप लगा रहे हैं वहां पे आपका स्पेस देखना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से स्पेस लेके इधर आप स्पेस देख रहे हो तो इधर आप देखोगे बीच में ये पानी का टैंक बना हुआ है। तो पानी का टैंक है, अब अगर मैं इसका जो हाइट है उसकी कम रखूंगा मैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे अपन इतनी सी हाइट रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर पानी का टैंक है जिसको काफी ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इधर देखेंगे आप और इधर देखेंगे अगर आप, ये वाला लेग से वो 7.5 फुट का है और जो सामने वाला लेग है वो 5.2 फुट का है और इसी के बीच में आप देख रहे होंगे कितने मजबूत आपको लेने पड़ेंगे। जैसे कि आप टीन शेड वाले छाया बनाते हो वैसा का वैसा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ये ध्यान हमेशा आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आकाशीय फ्लोर पर आप लगा रहे हैं और वहां पर अगर आप इतने घटिया पैनल ये स्टैंड लगा रहे हैं स्ट्रक्चर यानी कि बहुत ही हल्के स्ट्रक्चर लगा रहे तो 101% आपका आंधे तूफान से उड़ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा ध्यान क्या रखना है आपको वो देखिए, आप ध्यान रखना है कि जो आपके जो लेग्स है उनका जो बेस है वो कितना मजबूत है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका आंधे तूफान से सोलर उड़ रहे हैं वो करेगा बेस के ऊपर। तो बेस को फिट करने से पहले आपको ये देखना है बेस को, यहाँ से आपको टंचाई करनी पड़ेगी छेनी और हथौड़े से, थोड़ी थोड़ी टंचाई कर दीजिए फिर आपको यहाँ पर सीमेंट से ये फाउंडेशन भरना होगा पूरा, इस तरह का आपको फाउंडेशन भरना होगा। ये फाउंडेशन के साइज ये देख लीजिए आप, आपको कोई पता नहीं चले तो अपना जो वो घी का जो टीन होता है या फिर तेल का टीन होता है तो उसी से ये फाउंडेशन भरे हुए हैं, इसको लगाकर ऐसे और इसी साइज से आपको करना होगा ये देखिए आप। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना होगा कि पानी से इसकी तराई करनी पड़ेगी थोड़ी सी, पानी से ये पकेगा तो ये अपना काम होगा। और ये फाउंडेशन जब 5 किलोवाट का पूरा पार्टीशन बन रहा है ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी में इतना भरना है, बाकी तो छोटा है तो चलो छोटा सा भी अपन कर सकते हैं 1-2 किलोवाट से चलेगा वो, लेकिन यहाँ पर सोलर पैनल लग रहे हैं इसलिए आपको ये मजबूती आपको स्ट्रक्चर लेना होगा। देखिए आप कितने मजबूत स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे होंगे। ध्यान ये रखना है अपन को जब अपन ये चैनल्स हैं इन चैनल्स को स्ट्रक्चर के साथ में मजबूती से अपन कस रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं इन चैनल्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर वेल्डिंग कर देते हैं, तो हमेशा आपको वेल्डिंग नहीं करना है और यहाँ पर नट बोल्ट से इसको टाइट करना है। क्योंकि जब वेल्डिंग कर देंगे अगर अपन यहाँ पर तो वेल्डिंग के जो टांगे हैं वो धीरे से खुल जाएंगे यहाँ से और वेल्डिंग खुलने के बाद आपके सोलर पैनल पे गिर सकते हैं और ये आपको ध्यान रखना है अपन को नट बोल्ट से ही इसको टाइट करना होगा। जो प्रोजेक्ट लग रहा है वो किस कंपनी से लग रहा है वो अपन बात कर लेते हैं और उसके बाद में आपको भी अगर स्ट्रक्चर लगाने हैं तो इसका खर्चा कितना आता है 5 किलोवाट के लिए, इसको सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं जो हाइट में लगाते हैं, और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका कितना खर्चा आता है वो सब अपन सर से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, कैसे सर? बिल्कुल ठीक है सर, आप कैसे? बस बढ़िया सर, आपके यहाँ पे आए बहुत खुशी हुई है आपके प्रोजेक्ट को देख के। सर ये 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट लग रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज दे दीजिए कि स्ट्रक्चर अगर खरीदना हो तो किस कंपनी से खरीदे हम, आपकी कौन सी कंपनी है और क्या क्या प्रोजेक्ट लगा सकते हैं आप, वो सारा हमें थोड़ा नॉलेज दे दीजिए। हम सोल्यूशन से जी सर, स्ट्रक्चर में अगर आप देखा जाए जी तो स्ट्रक्चर की चादर भी होती है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसके अंदर आप बनाना चाह रहे हो तो वो कमजोर रहेगा। अच्छा, पतली चादर में भी वो कमजोर रहेगा। इसमें इसमें आप देख सकते हो इधर जी बहुत हेवी चादर है। अच्छा, जी आएगी। आप लोहे का इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके बीच में। अच्छा अच्छा, लोहे का ही इस्तेमाल नहीं कर सकते बिल्कुल भी, आप इसमें जीआई का यूज भी लगा जी। कोई भी अगर लगाना चाहे ये प्रोजेक्ट तो
इसको स्ट्रक्चर लगाना है तो क्या कॉस्ट बैठेगी इसकी? अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं तो 15,000 से 17,000 तक बैठ सकते हैं। जी जी। और इस टाइप का स्ट्रक्चर लगाना चाहोगे आप, हैवी हैवी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, इसकी करीब 25,000 रुपए के आसपास। अच्छा, 25,000 से 30,000। ठीक है। तो सर अगर उदयपुर में कोई लगाना चाहे आपका सोलर प्लांट पूरा, तो 5 किलोवाट का कितना खर्चा आएगा? तो इसका सर 45 रुपए पर 1 किलोवाट का आता है सर खर्चा। 45,000 जी। जीएसटी अलग से रहती है? जीएसटी अलग से रहेगा सर इसके अंदर। जी जी। और बाहर ट्रांसपोर्टेशन का अलग, बाहर का अगर खर्चा है, बाहर का जी, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा अलग से आएगा जी। 5 किलोवाट जो प्लांट है वो ऑन ग्रेड या ऑफ ग्रेड है? ऑन ग्रेड है सर। ऑन ग्रेड है ना, नेट मीटर के साथ में है? नेट मीटर साथ में जी सर। तो आपने देखा है कि लगभग यानी कि 45,000 से 50,000 इसकी कॉस्ट आती है, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से रहता है और जीएसटी अलग से रहती है। इसमें नेट मीटरिंग का खर्चा वगैरह वो सब कुछ ग्रीन पावर सॉल्यूशन का ही रहता है इसमें, और ये पूरा आपको प्लांट तैयार करके दे सकते हैं। अगर आपको प्लांट लगवाना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा इनका, और नंबर भी दे दूंगा, तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो था सिर्फ सोलर के जो स्ट्रक्चर है उसका। अब अपन अगली जो वीडियो का जो प्रोजेक्ट होगा वो सोलर पैनल लगाते हुए का दिखाई देंगे, और कितना पैनल लग रहा है वो दिखाई देगा, और दूसरा जो हम दिखाएंगे वो है नेट मीटर का, कि नेट मीटर राजस्थान में कैसे अप्रूव होता है, क्या क्या प्रोसेस रहती है, वो सब कुछ बताने वाले हैं, और उसका खर्चा कितना आता है नेट मीटर को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए मेहमान है सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही सोलर एनर्जी से भरपूर भरे रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।